तो फ्रेंड आपको जैसे पता है कि समर अभी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, टेम्परेचर हमारे यहाँ नियर 46 डिग्री के ऊपर जा रहा है। तो फ्रेंड इसलिए हमने दो वीडियो डाली थी समर स्ट्रेस के ऊपर और हीट स्ट्रोक किस तरह से हो जाता है, तो आपके डॉग को वहाँ पर इमीडिएटली कैसे रिलीफ देना है, और दूसरी जो वीडियो होती है कि डॉग को हमें घर पे यहाँ पर कूल किस तरह रहना चाहिए ताकि हीट स्ट्रोक ना हो। लेकिन उसमें हमें बहुत सारे लोगों के अभी रिसेंटली कॉमेंट आई है कि सर हमें समर में कौन सा डाइट दे कि डॉग की जो हेल्थ जो है बहुत अच्छी रहे और उसे कोई भी प्रॉब्लम ना। तो फ्रेंड्स ये वीडियो इसी बारे में होने वाली है, तो फ्रेंड्स चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे नए वीडियो सब्सक्राइब देखने के लिए। चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स समर में हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो हमें ध्यान रखना है कि डॉग को हमें हमेशा यहाँ पर हाइड्रेट करना, यहाँ पर डॉग को बहुत ही ज़्यादा हमें ज़रूरी होती है। और डॉग वैसे भी ये समर में काफ़ी लिथार्जिक होते हैं, घर से बाहर निकलना काफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं करते और धूप में निकलना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, घर में बैठ कर कंटिन्यू यहाँ पर रेस करते रहते। तो ये चीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉग को, ये चीज़ डॉग को करने दीजिए, ठीक है। हीट स्ट्रेस से ये अगर आपके डॉग यहाँ पर आराम करवाते हैं तो उससे आपके डॉग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें डॉग को यहाँ पर विगरस एक्सरसाइज हमें बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर करवानी। तो फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है यहाँ पर वाटर मिलान अभी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा आ चुके हैं, तो हमें डॉग को यहाँ पर वाटर मिलान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप वाटर मिलान के जैसे इस तरह से आप क्यूब्स कर लीजिए, क्यूब्स करने के बाद आप डॉग को आफ्टरनून आवर में यहाँ पर दे सकते हो, जिससे आपका डॉग जो रहेगा वो हाइड्रेट भी होगा और वाटर मिलन डॉग को टेस्टी बहुत ही पसंद होते हैं, तो आप वाटर मिलन दे सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको करवानी है कैरेट्स, तो ठीक है इस तरह से कैरेट्स आते हैं, तो कैरेट जो होते हैं आपको यहाँ पर कैरेट की कटिंग नहीं करवानी है, कैरेट आप डॉग को डायरेक्टली खाने के लिए दे सकते हो। तो इससे क्या होता है डॉग के जो टीथ जो होते हैं यहाँ पर टीथ का रबिंग होता है और यहाँ पर टीथ क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छे से कैरेट होते हैं, तो स्वीट वाले जो कैरेट होते हैं आप डॉग को यहाँ पर बिल्कुल दे सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स मार्केट में ब्लूबेरीज अभी बहुत सारी आ चुकी है, तो आप आपके डॉग को यहाँ पर ब्लूबेरीज बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। ब्लूबेरी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो होता है इसमें होती है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप डॉग को जब भी आप ये देते हो तो बॉडी में इस तरह से जो भी हीट जनरेट होती है या फिर ऑक्सीडेशन जो होती है वो वहाँ पर रुक जाती है और डॉग की जो भी टेम्परेचर है आराम से कम होती है और डॉग को ब्लूबेरी समर में ट्रीट बहुत ही अच्छे तरह से भाती है। तीसरी चीज़ हमें देना है कुकुम्बर, जिसे हम यहाँ पर खीरा भी कहते हैं। खीरा ह्यूमन में भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इसमें काफ़ी लो फैट होता है और इसमें हाइड्रेशन की मात्रा बहुत ज़्यादा होने की वजह से आप ये डॉग के लिए दोगे तो ये आपके डॉग के लिए बहुत ही अच्छा एक्सलेंट तरीके का स्नैक हो सकता है। तीसरी चीज़ हमें यहाँ पर डॉग को आइस क्यूब दे सकते हो, ठीक है। डॉग आइस क्यूब पसंद करते हैं, कुछ कुछ डॉग आइस क्यूब पसंद नहीं करते हैं, तो आपको क्या करवाना है डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट जो होते हैं जिस तरह से बनाना होता है एप्पल होता है, तो इसमें क्या कीजिए आप इसको हल्का सा वाटर में मिक्स करके इसके आइस क्यूब बना दीजिए और ये ट्रीट आप यहाँ पर डॉग को दे सकते हैं। ये दही, दही काफ़ी कूल होता है और दही में बहुत सारी प्रोबायोटिक एक्टिविटीज होती है, तो आपको क्या करवाना है आपको दही आप डॉग को समर में आपको देना ही देना है। अगर दही भी नहीं दे पा रहे हो तो बटर मिल्क भी बहुत अच्छा होता है, तो बटर मिल्क बॉडी को कूल रखता है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इससे प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी खासी होती है। तो आप यहाँ पर जो आपके डॉग्स है उनको यहाँ पर बटर मिल्क बिल्कुल दीजिए, इससे बॉडी का मेंटेनेंस जो है बहुत अच्छी तरह से रहता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जिस तरह से मैं आइस क्यूब बताया तो आइस क्यूब आप यहाँ पर बटर मिल्क के भी आइस क्यूब बना सकते हैं, दही के भी आइस क्यूब बना सकते हैं। उसके बाद आप डॉग को राइस और जो दही होता है इसका कॉम्बिनेशन करके आपको यहाँ पर बिल्कुल देना है। राइस देखिए आप जब भी यूज़ करवाए हो तो दही चावल जो है आपको मॉर्निंग आवर में भी यूज़ करवानी है, इवनिंग आवर में इसको ट्राई मत कीजिए, इसमें डॉग को एसिडिटी बढ़ने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। उसी तरह से आप डॉग को यहाँ पर बटर मिल्क जो होता है बटर मिल्क बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक होता है, तो गट हेल्थ जो होती है यहाँ पर बहुत अच्छी से रहती है, तो आप यहाँ पर डॉग को जो है आप यहाँ पर बटर मिल्क और दही बिल्कुल दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वहाँ पर कोकोनट वाटर जो होता है, कोकोनट वाटर इट्स अ नेचुरल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसमें पोटेशियम कैल्शियम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अगर आपके डॉग को आप समर में ये देते हो तो आपका डॉग यहाँ पर कभी भी बीमार नहीं होगा और इसको हीट स्ट्रोक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और हमको अभी कौन सी चीज़ें नहीं देनी ये बात ध्यान में रखिए। जनरली डॉग का जो चिकन होता है मटन होता है नॉनवेज सोर्स जो होता है ये बेसिकली प्रोटीन सोर्स होता है, ये तो हमें डाइट में देना ही देना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है आपके डॉग को व्हाइट मीट ही देना है। तो व्हाइट मीट क्या होता है, ठीक है। तो व्हाइट मीट जो होती है स्पेशली चिकन का जो ब्रेस्ट पीस होता है, तो वहाँ पर आपको चिकन और राइस में मिल सके ही आपको यहाँ पर डॉग को देना है, आप इवनिंग आवर्स में दे सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको डॉग के समर में फिश चालू कीजिए, फिश इज बहुत ही अच्छे सोर्स जो होते हैं
इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है और ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और दूसरी जो चीज़ होती है, इम्यूनिटी बूस्टअप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से करता है। तो आपको फिश यहाँ पर डॉग को आप समर में बिल्कुल दीजिए, और मटन जो होता है, मटन पोर्क बीफ जो होता है, यहाँ पर डॉग को पूरी तरह से आपको यहाँ पर अवॉइड करवानी। तो फ्रेंड्स, मटन जो होता है, मटन में एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है और फैट की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये फैट जो पचाने के लिए डॉग को काफ़ी टाइम लगता है। फीड में जो हम आप जब भी मटन देते हो तो पेट में जाने के बाद स्टैग्नेट होके वहाँ पर कम से कम 2 से 3 घंटे लगता है, और पचाने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बर्न होती है। इससे डॉग की हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको यहाँ पर डॉग को हमें यहाँ पर मटन बिल्कुल यहाँ पर अवॉइड करना है। यहाँ पर आप डॉग को जो एग वाइट जो होता है, एग में का वाइट पार्ट आप यहाँ पर डॉग को दे सकते हो। येलो पार्ट यहाँ पर मत दीजिए, क्योंकि येलो पार्ट में बहुत सारा फैट होता है तो पचाने के लिए काफ़ी हल्का होता है। तो इस तरह से आपको समर में ये डाइट प्लान फॉलो कीजिए तो आपके डॉग की इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी तरह बनी रहेगी, और दूसरी चीज़ आपके डॉग काफ़ी हेल्दी रहेगा और ही स्ट्रोक आपके डॉग को नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपका कैसी लगी हमें इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी छोटी मोटी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हमें इनबॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको जवाब देने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स, चैनल्स को नए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपके पेट की छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम है तो इनबॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको आपको सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पेट की कुछ प्रॉब्लम है जो काफी दिन से सॉल्व नहीं हो पा रही है, या फिर आप किसी सेकेंडरी ओपिनियन के लिए देख रहे हो, तो नीचे दिए नंबर पर आप हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट मैसेज कीजिए, यहाँ पर हमें वीडियो भेजिए, फोटो शेयर कीजिए, तो इसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से आपको QR कोड भेजेंगे, वो स्कैन करके आपको वहाँ पर हमारी छोटी सी कंसल्टेशन फीस पेड करनी है। उसके बाद यहाँ से वीडियो कॉल करके हम देखेंगे आपके पेट की क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, हमारे इससे फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो जाएगी, और आपके पेट की जो भी प्रॉब्लम है हम घर बैठे यहाँ से सॉल्व कर देंगे। उसके बाद हम इस तरह से आपको डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भेजेंगे, जो यूज़ करने के बाद आपके पेट की रिकवरी बहुत फास्ट होगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।